जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीर खुरमा की रेसिपी। दूध, खजूर और ड्राई फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीर खुरमा बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पर 12 बादाम ली और इन बादाम को हमने पूरी रात के लिए पानी में भिगो दिया था। फिर इसका छिलका निकाल कर हमने इस तरह से लंबा काट लिया है। इसी के साथ हमने 15 पिस्ते लिए और इसे भी हमने पूरी रात के लिए भिगो दिया और फिर छील कर इस तरह से लंबा काट लिया। तो 10 काजू ले लिए और इसे भी हमने लंबा काट लिया है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 सूखी खजूर ली, जिसे छुआरे भी कहा जाता है। इसे हमने पूरी रात के लिए भिगो दिया था और इसे भी हमने लंबा लंबा काट लिया। और 1/2 टेबल स्पून चिरौंजी, आप चिरौंजी को भी भिगो सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर इसे भिगोया नहीं है। इसी के साथ हमने 1 टेबल स्पून किशमिश ली है और किशमिश हमने पानी से अच्छे से वॉश कर ली है। अगर आपको लगता है कि किशमिश ऐड करने से आपका दूध फट जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। किशमिश ऐड करने से पहले हमें इसे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है, तो जब भी हम इसे दूध में ऐड करेंगे तो दूध फटेगा नहीं। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 3/4 कप यानी कि 1/4 कप सेवई ली है। अगर वज़न के हिसाब से देखेंगे तो ये 40 ग्राम सेवई है। और हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम मावा यानी कि खोया। तो मावे को ऐड करने से पहले हमें इसे इस तरह से ग्रेट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक हेवी बॉटम पैन ले लेना है, यानी कि एक मोटे तले का बर्तन ले लेंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हमें इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इन्हें हमें घी में तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ड्राई फ्रूट्स का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और इसमें से सौंधी सी स्मेल ना आने लगे। हमें इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज करना है। तो इस तरह हमने 1 से 1.5 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके निकाल लिया है। और उसी पैन में हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून देसी घी। और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा हमें इसमें ऐड कर देनी है सेवई। और इसी तरह हमें लगातार चलाते हुए सेवई को भी घी में तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी रोस्ट करेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स और सेवई रोस्ट करके निकाल ली है। और उसी पैन में हमें मावा यानी कि खोया ऐड कर देना है। तो खोया ऐड करने से पहले हम इसे ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से घी रिलीज़ ना होने लगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। 30 से 35 सेकेंड तक भूनने के बाद आप देखेंगे कि मावे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें से घी रिलीज़ होने लगा है। तो इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है 1 लीटर फुल फैट दूध और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो मावा और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें से मावा भून कर निकाल सकते हैं और फिर दूध में उबाल आने के बाद भी इसमें मावा ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मावा भून कर उसमें डायरेक्ट ही दूध ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिला लें। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देनी है 1 चुटकी केसर। केसर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। केसर ऐड करने के 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसमें ऐड कर देनी है सेवई और ड्राई फ्रूट्स। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स और सेवई रोस्ट करके रखी हुई है वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। और अब हमें इसे लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि दूध का 1/4 हिस्सा रिड्यूस ना हो जाए। और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। तो इस तरह से हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे।
तो इस तरह से हमने इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पका लिया है और अब देखेंगे कि दूध का एक चौथा हिस्सा भी रिड्यूस हो गया है और इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो हमने यहाँ पर 8 टेबलस्पून चीनी ली है। आप अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसे मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। तो बस चीनी ऐड करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा और पका लिया और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी के साथ हमारा बहुत ही बढ़िया सीर खुरमा बनकर तैयार है। तो इस तरह से सिंपल सी रेसिपी के साथ बहुत ही बढ़िया सीर खुरमा बनकर तैयार हुआ है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सीर खुरमा की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।